नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि जय हिंद। दोस्तों जिस तरीके से भारत में निजी कंपनियां रक्षा के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर आगे आ रही हैं, इससे अब वो दिन दूर नहीं रहेगा जब भारत रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल कर लेगा। दोस्तों आज से कुछ साल पहले प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और खास करके डिफेंस सेक्टर के क्षेत्र में उन्हें कई दिक्कतें आती थी जिनमें लाइसेंस वगैरह जैसी जो बाध्यताएं थी वो थी। लेकिन जैसे ही इस पॉलिसी को हटाया गया तुरंत आप देखिए एक से बढ़कर एक हथियार तैयार होने लगे हैं। ऐसे में दोस्तों भारत की एक निजी क्षेत्र की डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर कंपनी है जिसका नाम है सोलर ग्रुप। अब वो भारतीय सेना के लिए हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम जो कि मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है उसे तैयार करेगी, जैसे कि दोस्तों अमेरिका का हिमार्स है यानी कि हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम। दरअसल इस रॉकेट सिस्टम ने रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेनी सेना को काफी बढ़त दी और तभी से अमेरिका के द्वारा बना हिमार्स सुर्खियों में आया और इसका इस्तेमाल करके यूक्रेनी पक्ष को एक बड़ी बढ़त मिली है। दरअसल रशियंस के पास हिमार्स जैसी या उसके बराबर ऐसा कोई हथियार नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि लॉकेट मार्टिन ने M142 हिमार्स को शूट एंड स्कूट क्षमता के साथ तैयार किया है और ये एक अत्यधिक मोबाइल हथियार प्रणाली है जो दुश्मन द्वारा लक्षित होने की संभावना को कम करते हुए तेज गति से फायर कर सकती है और उन्हें पीछे हटा सकती है। अब बात करते हैं हमारे देश भारत की। दरअसल दोस्तों वर्तमान में भारतीय सेना के पास सोवियत या फिर आप ये कहिए रूसी BM-30 स्मर्श है जो कि एक हैवी सेल्फ प्रोपेल्ड 300 mm मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है और ये प्रणाली है तो काफी खतरनाक। हालांकि ये प्रणाली काफी खतरनाक भी है जो कि दुश्मन के तोपखाने, उनके कमांड पोस्ट, उनके गोला बारूद डिपो साथ ही उनके बख्तरबंद वाहनों को खत्म कर सकती है। इसके अलावा दोस्तों भारतीय सेना BM-21 ग्रेड जो कि एक सेल्फ प्रोपेल्ड 122 mm मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है उसका इस्तेमाल करती है और BM-21 लॉन्च वाहन और M-21OF रॉकेट के साथ ये पूरा सिस्टम M-21 फील्ड रॉकेट सिस्टम के नाम से जाना जाता है और इसे भी दोस्तों आमतौर पर ग्रेड मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम कहा जाता है। दरअसल भारतीय सेना अब अपनी मोबिलिटी पर ज्यादा ध्यान दे रही है और यही वजह है कि स्वदेशी पिनाका MBRL विकसित किया गया है जो कि BM-30 में इस्तेमाल किए जाने वाले 300 mm रॉकेट के बजाय 214 mm रॉकेट्स का इस्तेमाल करता है और इसे 8x8 BEML द्वारा बने ट्रकों पर माउंट किया गया है। दरअसल MBRL के एडवांस गाइडेड वर्जन में कुल मिलाकर 2 पॉड्स पर 8 रॉकेट स्थापित किए गए हैं जबकि जो अनगाइडेड संस्करण है वो कुल 12 रॉकेट ले जा सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं भारत की निजी कंपनी की जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि इन्होंने कहा है कि वो भारतीय सेना के लिए हिमार्स जैसा मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम विकसित करेंगे। दरअसल दोस्तों ये कंपनी सोलर ग्रुप की इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड है जिन्होंने भारतीय रक्षा मंत्रालय को ये प्रस्ताव दिया है। कहा यह जा रहा है कि शुरुआत में ये सिस्टम केवल 1 पॉड ले जाएगा, साथ ही कहा यह जा रहा है कि इस प्रणाली में सतह से सतह पर मार करने वाले 250 किलोमीटर की रेंज होगी। दरअसल दोस्तों मौजूदा MBRL प्रहार सॉलिड फ्यूल रोड मोबाइल टैक्टिकल मिसाइल का एक बेहतर संस्करण है यानी कि एक इम्प्रूव्ड वर्जन है जिसे कि प्रांश कहा जाता है और इसे DRDO तैयार कर रहा है। हालांकि ये भी कन्वेंशनल हाई एक्सप्लोजिव वॉरहेड, इसके अलावा क्लस्टर्ड म्यूनिशन और सिंगल स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट मोटर वाली मिसाइल्स को ले जा सकता है। इस मिसाइल को बिना किसी तैयारी के 2-3 मिनट के अंदर लॉन्च किया जा सकता है और ये मिसाइल लिक्विड फ्यूल्ड मिसाइल की तुलना में काफी बेहतर प्रतिक्रिया देने में सक्षम है। DRDO का प्रांश जो कि एक कॉस्ट इफेक्टिव यानी कि लागत प्रभावी है, त्वरित प्रक्रिया यानी कि क्विक रिएक्शन, हर मौसम में सभी इलाकों में अत्यधिक सटीक निशाना साध सकता है बैटलफील्ड में और इसे एक टैक्टिकल हथियार प्रणाली के रूप में विकसित किया जा रहा है। यानी कि दोस्तों एक तरफ DRDO इस क्षेत्र में काम कर रहा है और वहीं भारतीय निजी कंपनी इस क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही है और आप समझ सकते हैं कि हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम यानी कि मल्टीपल लॉन्चर सिस्टम ये वर्तमान सिनेरियो में बेहद प्रभावी होगा क्योंकि चाइना के पास लंबी दूरी के MBRLs हैं। तो चीजें यहां पर दोस्तों साफ हो जाती हैं कि भारत मेक इन इंडिया के तहत हिमार्स जैसे सिस्टम को खरीदने के बजाय खुद का हिमार्स बना रहा है। आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलता हूं एवरीडे के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।